सर वर्तमान में कापसी में गेहूं का ट्रैक्टर के बारे में कोई सूचना मिली थी, उस बारे में सर जानकारी? हाँ सर, मेरे पास अभी वो मैं SDM साहब की मीटिंग में बैठा था, उस समय कॉल आया था, मैंने अटेंड नहीं करा, लेकिन उसके बाद में बाहर निकल के मैंने संबंधित से बात करके जाना कि क्या मैटर है, तो उनने बताया कि कापसी में जो हॉस्टल है तो हॉस्टल अधीक्षक गेहूँ बेचने ले जा रहा है, ऐसे सूचना मिली थी। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में मैंने BO साहब से बात करी तो बोले कि थाने पे आ रहे, थाने पे आ जाओ, तो मैं यहाँ आया था। अब यहाँ बात हो रही कि अपन जो गेहूँ है यहाँ रखेंगे उसको, यहाँ तो ख़राब होने के चांस रहेगा, पानी के जाने के चांस होगा, उसको फूट के वहाँ रखेंगे और जाँच करेंगे, इसके बारे में जाँच करके जो भी होगा वो अवगत कराया जाएगा आप लोगों को। सर विगत दिनों अभी कापसी ने बोला था कि पहले भी आपको सूचना दी गई थी वो बात। सूचना सर उसके पहले से मैं आया, उससे पहले से उनकी शिकायतें थी, तो DPC से लेटर आया था, मैं था, BO साहब था, उत्कृष्ट प्रिंसिपल थे, तो हमने जांच करके वो रिपोर्ट पहुंचा दी सर। थैंक ओके। यू भैया जी। आज जो सोशल मीडिया पे एक गेहूं के ट्रक की वीडियो वायरल हो रही है कापसी की, उस बारे में जानकारी? शाम को मुझे 5 बजे में कुर्सी से आ रहा था, जानकारी मुझे मिली कि गेहूँ भर के कुर्सी बेचने जा रहे थे। मैं मौके मायने पे वहाँ पहुँचा और गेहूँ ये ताली भरी हुई थी, ये डाल रहे थे। मैंने इसे बाहर से इसका वीडियो और फोटो खींचे, तो इस पे इनके जो पति है वो आए, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और मेरा हाथ पकड़ धमकी दे रहे थे। आपको क्या शंका लग रही है? मेरे शंका ये बेचने के लिए दे रहे। अच्छा, और गेहूँ की क्वालिटी एक नंबर थे, सब गाँव के जनप्रतिनिधि। कापसी का मामला सामने आया है, उस बारे में सर कोई जानकारी? कापसी के कस्तूरबा बालक बालिका छात्रावास में ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि हॉस्टल से ट्रैक्टर भरकर गेहूं बाहर जा रहे हैं। हमारे द्वारा तत्काल मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी और राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने सम ट्रैक्टर भरा हुआ अब लगभग 22 क्विंटल गेहूँ है जो जब्त कर थाने पर लेकर आए हैं। इसके बाद हम आगामी कार्रवाई आगामी कार्रवाई जो भी होगी अवगत करा देंगे। सर इस बारे में वर्तमान में ऑफिसर लोगों का क्या कहना है? प्रथम दृष्टया यही है कि ये गेहूँ कहाँ जा रहे थे, इनके द्वारा यह बताया गया था कि गेहूँ एक्सचेंज करवाने के लिए लेके जा रहे थे। हम पूरी वस्तु स्थिति, हॉस्टल का स्टॉक पंजी है, हॉस्टल में बच्चों की दर्ज संख्या है, हॉस्टल में कितना स्टॉक रहना चाहिए, यदि एक्सचेंज करवाने के लिए लेकर जाए थे तो संबंधित खाद्य विभाग की जो संस्था है उनसे संपर्क किया या नहीं, इसके संबंध में वो संपूर्ण जांच उपरांत ही कुछ बता पाएंगे हम। धन्यवाद।